नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज नगर पालिका परिषद की ओर नगर पालिका परिसर एवं श्री चंद्र अग्रवाल बारात घर में बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिसर रैन बसेरा में यात्रियों, गरीबों एवं असहाय लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जमीन पर लगाए गए गद्दों एवं पतली रजाइयों को देख नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ रविशंकर शुक्ल को निर्देश दिए कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए कम से कम ऊंचाई वाले बेंच का तख्त की व्यवस्था करें, साथ ही गर्म गद्दे एवं कंबल उपलब्ध कराएं ताकि ठहरने वालों को जमीन के ठंड से राहत मिल सके। पालिका परिसर में बैंड बाजे के दुकानदारों, ठेली खड़ी करने पर बैंड स्वामियों को निर्देश दिए कि एक घंटे के अंदर परिसर खाली करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पिंक शौचालय संचालित न होने एवं परिसर में फैली गंदगी पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा ईओ को निर्देश दिए कि पिंक शौचालय कल से शुरू कराएं और गेट पर एक बोर्ड लगवाएं और महिला यात्रियों के लिए लिखवाएं कि पिंक शौचालय इधर है तथा पालिका परिसर को साफ सुथरा रखें। श्रेष्ठ चंद्र अग्रवाल बारात घर में बने दो कमरों में बने रैन बसेरा पर जिलाधिकारी ने ईओ से कहा, इन कमरों के स्थान पर लोगों को ठंड से बचाने के लिए हॉल में तीन लाइन में 30 तख्त डलवाकर रैन बसेरा संचालित कराएं। बारात घर की अन्य व्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया, पर चारों तरफ गंदगी एवं गेट पर खड़े जनरेटर के संबंध में जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की तथा ईओ एवं केयरटेकर को निर्देश दिए कि बारात घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें और गेट से जनरेटर को हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित करें। रेन बसेरे को लेकर कहां कहां व्यवस्थाएं चेक की गई और क्या कमियां पाई गई और क्या निर्देश दिए? वर्तमान में पड़ रही ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत रैन बसेरे और कंबल वितरण का कार्यक्रम जनपद में हम युद्ध स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ शहर में जो रैन बसेरा बना है, नगर पालिका परिषद की ओर से बनाया गया है, उसको देखने के लिए मिले रहे हैं। अभी एक रोडवेज पे बनाया गया है वो देखा हमने, फिर इनका जो बारात गृह है उसमें बनाया गया है उसको देखा। क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और देर शाम को रात में भी उतरते हैं, इसलिए वहाँ कोई कठिनाई नहीं हो। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने देखा है, अभी इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके आज रात तक इसको हम यहाँ स्थापित कराते हैं जिससे कल से किसी को यहाँ परेशानी ना हो। सर, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था? जैसे बता रहे हैं उस 13 जगह अलावा जल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में भी निरीक्षण किया गया, वहाँ पर जो स्थान की नींव था वहाँ अलावा नहीं जल रहा। देखिए, पूरे जनपद में हम करीब 650 स्थानों पर अलाव जलवा रहे हैं। नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें अपने नगरीय क्षेत्र में अलग से करा रही हैं और ग्राम पंचायतों में राजस्व विभाग करा रहा है। यहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, अगर कोई स्थान ऐसा बचा है जहाँ अभी भी छूटा हुआ है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी अलाव जलवाएंगे हम। हम इस बारे में लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि कोई ऐसा स्थान बचा है सार्वजनिक स्थान जहाँ वाकई में जलना चाहिए, स्थान जैसे ही कोई बताता है वहाँ भी जलवाना प्रारंभ कर देंगे। बट हमारा प्रयास ये है कि रोडवेज या ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान जैसे कोई टेम्पो टैक्सी स्टैंड है, बस अड्डा है, रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ अवश्य में जलना चाहिए।